कि लव मी का पार्ट 3 है। आई होप इस स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ। सो आप लोगों के कहने पर मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने एक और स्टोरी सोच रखी है टेकू के लिए, लेकिन ये जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही मैं उसको स्टार्ट करूंगी। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। एंड हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जंगकुक बहुत लेट हो गया है, जंगकुक पता नहीं कब आएगा। चलो हम लोग घर चलते हैं, जंगकुक जब आएगा तो हम लोग उसे मैसेज कर देंगे। हाँ चलता हूँ सुगा, बट दो मिनट रुक जा, वो एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, अभी तक बाहर नहीं आई है। क्या बोला तूने? वेट कर रहा है, पर किसका? वो कॉफी शॉप की जो ओनर है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो बाहर नहीं आई है और मैं उसे देखना चाहता हूँ। व्हाट, आर यू मैड? तुम एक इंसान से प्यार कैसे कर सकते हो? हाँ तुम्हें पता है ना कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, फिर भी तुम कह रहे हो? इश्का प्लीज वहाँ पर किसी को मत बताना, अब प्यार हो गया तो हो गया, अब मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता ना। मैं यहाँ पर आता था, उसके बाद वो मुझे पसंद आने लगी, फिर उसने मुझे प्रपोज कर दिया, तो मैंने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो प्लीज वहाँ पर किसी को मत बताना इश्का प्लीज, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज ऐसा मत करना। बेटा उस लड़की को तुझे भूलना होगा, बिकॉज तू उससे प्यार नहीं कर सकता, तू एक डेमन है और वो एक ह्यूमन, कुछ नहीं हो सकता। देखो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं सबको वहाँ पर जाकर बता दूंगा, उसके बाद तुम डेमन वर्ल्ड से निकल जाओगे। अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तू ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज वहाँ पर किसी को मत बताना। फाइन मैं उसे भूल जाऊंगा, मैं दोबारा कभी भी उसे नहीं मिलूंगा, पर प्लीज वहाँ पर किसी को मत बताना। देखता हूँ, जब तुझे एक ह्यूमन से प्यार हुआ ना, तब पता चलेगा कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये ख्वाब में मत रहे, मुझे एक ह्यूमन से प्यार कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम डेमन। तो मैं एक ह्यूमन से प्यार क्यों करूँगा? मुझे एक डेमन ही चाहिए, एकदम मेरे जैसी, मुझे ह्यूमन बिल्कुल पसंद नहीं। हाय यंबो, तुम यहाँ पर? ओ एक्चुअली वो क्या है ना, आज बहुत काम था इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाई। वैसे तुम कैसे हो, ठीक हो? हाय लिसा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा था, सुबह चले हम लोग? क्या हुआ ये वो, मैं अभी तो आई हूँ और तुम अभी से जाने की बात कर रहे हो? ओ आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा। सुगा अब चल भी, कितना लेट कर आएगा। फिर उसके बाद सुगा और येल्वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। येल्वो आई नो कि तुम्हें मुझ पे शक है, बिकॉज मैं एक ह्यूमन हूँ, सो मैं तुमसे प्यार कैसे ही कर सकती हूँ? मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ, किसी को क्या पता कि मैं एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर भी हूँ। जब ये बात मेरी खुद की दोस्तों को नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता होगा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर जाऊंगी। तुम एक डेमन हो ना, और मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी और तुम्हें पकड़वा कर खुद फेमस हो जाऊंगी। हाँ आदमी, आपने सही सुना, लिसा येल्वो से कोई प्यार नहीं करती है, वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है और उसे पता है कि येल्वो एक डेमन है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ी है कि वो उसको पकड़ कर जेल में डाल सके और खुद फेमस हो सके, क्योंकि आज तक किसी ने भी डेमन पर विश्वास नहीं किया है, और अगर लिसा ऐसा करेगी तो वो बहुत ही फेमस हो जाएगी, इसीलिए वो ऐसा सोच कर येल्वो के पीछे पड़ी है। जल्दी मिलोगी, डोंट वरी। इतना बोलकर जंगकुक वापस से कपड़े खरीदने लगता है। स्वीटी प्लीज एक बार बाहर आ जाओ, मैंने
तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। तुम इतने दिनों से लॉकेट में क्यों कैद हो? मैं तुमसे कई बार कहा है कि तुम बाहर आ जाओ, तुम नहीं आती हो। चलो, तुमने कहा है कि मैं जब कोई प्रॉब्लम में रहती हूँ, मेरे पास डायमंड रहते हैं, तब तुम बाहर आती हो ना। तो अभी तो मेरे पास कोई डायमंड है, तो प्लीज तुम आ जाओ, वरना अगर उसने मुझे मार दिया तो प्लीज बाहर आ जाओ। तुम्हारी सब नौटंकी समझती हूँ मैं, कोई बात नहीं, तुम अगर मुझे देखना चाहती हो तो ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ। व्हाट? क्या सच में तुम बाहर आ रही हो? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं बाहर तो आ रही हूँ, लेकिन हाँ, ये सोच लेना कि तुम्हारे अलावा वो डायमंड भी मुझे देख सकता है, बिकॉज़ उसके पास में मैजिक है जिसकी वजह से वो मुझे देख सकता है। इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, डायमंड मुझे देख सकते हैं। सो प्लीज, डायमंड होगा तो मुझे बता देना, मैं वापस लॉकर में चली जाऊंगी। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी बाहर आओ। एंड हाँ, इधर उधर देख लेना, अगर कहीं डायमंड होगा तुम्हें तो पता ही होगा ना कि डायमंड कौन है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं सकती हो। हाँ एमी, आपने सही सुना, स्विगी को सब कुछ पता है कि डायमंड कौन है और आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन वो देखो इसलिए नहीं बताती है बिकॉज उसे उसे बताने की परमिशन नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं बता पाती है, इसलिए उसको सिर्फ हिंट देती है। ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है।